हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मनोजमल्टी। तो दोस्तों, आज हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो डाइल्यूशन में हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे और सीखेंगे कि डाइल्यूशन में हम टेस्ट कैसे लगाते हैं जब कोई भी वैल्यू हमारी बड़ी हुई आती है, जैसे SGOT, SGPT या फिर कोई भी टेस्ट अगर हमारा बड़ा हुआ आता है जिसे हमारा एनालाइज़र मेजर नहीं कर पाता है, उन टेस्टों को हमें डाइल्यूशन में लगाना होता है। तो आज वही सीखेंगे हम, आज प्रैक्टिकल सीखेंगे उसका कि हम डाइल्यूशन में टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आज हम SGPT टेस्ट को हम डाइल्यूशन में लगाएंगे, जिसे हम 10K डाइल्यूशन में 10K डाइल्यूशन में लगाएंगे। तो वे दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं SGPT को हम डाइल्यूशन में कैसे लगाते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमें डाइल्यूशन बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, हमें NS या फिर हमें डिस्टिल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप NS के साथ भी डाइल्यूशन बना सकते हैं और डिस्टिल वाटर के साथ भी आप डाइल्यूशन बना सकते हैं। ये मेरा डिस्टिल वाटर है और ये मेरा NS है दोस्तों। आप इन दोनों में से कोई भी, या NS या फिर डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं डाइल्यूशन बनाने के लिए। जो हम बायोकेमिस्ट्री में टेस्ट परफॉर्म करते हैं उनका डाइल्यूशन हम या तो NS में बनाते हैं या फिर डिस्टिल वाटर के साथ बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम 10 का डाइल्यूशन बना रहे हैं। तो 10 के डाइल्यूशन में हमें क्या करना होता है दोस्तों, 9 पार्ट हमें रिएजेंट लेना होता है। तो 9 पार्ट हम रिएजेंट, मतलब बायोकेमिस्ट्री में ये होता है कि हमें डाइल्यूशन जो करना होता है या डिस्टिल वाटर या फिर NS में करना होता है, तो हम 9 पार्ट किसका लेंगे, डिस्टिल वाटर का लेंगे। ठीक है, मैं अभी डिस्टिल वाटर में कर रहा हूँ, आप चाहो तो NS में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी डिस्टिल वाटर में कर रहा हूँ। तो मैं 9 पार्ट किसका लूँगा, डिस्टिल वाटर का, ठीक, और 1 पार्ट में सैंपल लूँगा। ठीक है, 9 पार्ट में जो मेरा डिस्टिल वाटर है इसका लूँगा और जो 1 पार्ट है वो पेशेंट का सैंपल मैं उसमें ऐड करूँगा। ठीक है, मैं अभी आपको करके दिखाऊँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने डिस्टिल वाटर लिया है, मैं डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूशन बना रहा हूँ। और दोस्तों, और हमें दो ट्यूब, टेस्ट ट्यूब चाहिए होती हैं, एक में मैं डाइल्यूशन बनाऊँगा, इसमें मैंने लिखा भी है डाइल्यूशन, अगर आपको दिख रहा है तो डाइल्यूशन करके लिखा है मैंने। इसमें मैं डाइल्यूशन बनाऊँगा और इसमें मैं SGPT का रिएजेंट डालूँगा, जितना हम लेते हैं उतना ही लेना है। जैसे हम 500 में लगाते हैं तो 500 में ही हम 500 माइक्रोलीटर इसमें रिएजेंट डालेंगे। ठीक है, ये टेस्ट के लिए है और डाइल्यूशन मुझे डिस्टिल वाटर के साथ बनाना है, तो मैं इस टेस्ट ट्यूब में बनाऊँगा। ठीक है, इसमें क्या डालूँगा, मैं 10 का डाइल्यूशन बना रहा हूँ दोस्तों। तो 10 के डाइल्यूशन में मैं सैंपल अगर 50 ले रहा हूँ, तो 1 पार्ट मैंने सैंपल लिया, यानी कि 1 पार्ट मैंने 50 माइक्रोलीटर सैंपल लिया है, तो 9 पार्ट मुझे क्या लेना है, डिस्टिल वाटर लेना है। ठीक है, डिस्टर्ब अभी हम डिस्टर्ब वाटर के साथ कर रहे हैं, अगर आप चाहो तो NS के साथ भी कर सकते हैं। तो आप अगर NS के साथ करोगे तो NS का 9 पार्ट लोगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टर्ब वाटर के साथ कर रहा हूँ, तो मैं डिस्टर्ब वाटर का 9 पार्ट लूँगा। तो 9 पार्ट कितना होता है दोस्तों, 9 पार्ट हमारा होता है 50 अगर हम सैंपल ले रहे हैं तो दोस्तों, तो उसका जो 50 माइक्रोलीटर हम सैंपल लेंगे और 9 पार्ट यानी 450 माइक्रोलीटर हम क्या लेंगे, डिस्टिल वाटर लेंगे। ये हमारे किस कितने का डाइल्यूशन बन गया, 10 का डाइल्यूशन। ठीक है, अगर आपने मेरा वीडियो, अगर ये आपको समझ में तभी आएगा दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो मैंने थ्योरी में बनाया है, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि 10 का डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं और 20 का डाइल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ कि हम SGPT कैसे परफॉर्म करते हैं डाइल्यूशन में। तो दोस्तों, अभी हम 10 का डाइल्यूशन बना के SGPT परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे 9 पार्ट क्या लेना होगा, उसमें डिस्टिल वाटर लेना है और 50 माइक्रोलीटर मुझे सैंपल डालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्टिल वाटर डालूंगा इसमें से 450 माइक्रोलीटर इस वाली वायल में। ठीक है, ये मेरा प्रीपेड है जिसे मैंने 450 माइक्रोलीटर में सेट कर रखा है। अब मैं इसकी हेल्प से डिस्टिल वाटर लूंगा, ये मेरा डिस्टिल वाटर है, ये मैंने लिया 450 माइक्रोलीटर, ये 450 माइक्रोलीटर मैंने इसमें डाल दिया है जिसमें मुझे डाइल्यूशन बनाना है। ठीक है, 450 माइक्रोलीटर डिस्टिल वाटर लेने के बाद मैं 50 माइक्रोलीटर इसी वेल में पेशेंट का सैंपल डालूंगा। ठीक है, ये मेरा 50 माइक्रोलीटर में फिट मैंने सेट कर रखा है ये प्रीपेड। अब मैं इसकी हेल्प से क्या लूँगा, पेशेंट का सैंपल लूँगा। ये मेरा पेशेंट का सैंपल है, इसमें से मैं 50 माइक्रोलीटर सैंपल लूँगा। ठीक है, 50 माइक्रोलीटर हम सैंपल लेंगे, ये मैंने सैंपल ले लिया है, इसको अच्छे से वाइप कर लेंगे, साफ कर लेंगे, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा जिसमें मैंने डिस्टिल वाटर डाला है 450 माइक्रोलीटर। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, 500 माइक्रोलीटर। ठीक है, कितना हो गया, 500 माइक्रोलीटर हो गया, 50 और 450 कितना हो गया, 500 माइक्रोलीटर हमारा
डाइल्यूशन बन गया है, और ये कितने का डाइल्यूशन है, 10 का डाइल्यूशन, ठीक है। अब दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें SGPT का रिजेंट लेना है, जो दूसरी वेल है इसमें जिससे हम टेस्ट लगाएंगे। इसमें हम SGPT का रिजेंट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा SGPT का रिजेंट है, इसमें से हमें 500 माइक्रोलीटर रिजेंट लेना है। ये मेरा प्रीपेड 500 माइक्रोलीटर में सेट कर दिया मैंने। अब मैं इसमें से 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट लूँगा SGPT का, ठीक है। ये मैंने 500 माइक्रोलीटर रिएजेंट ले लिया है और इस वेल में डालूँगा मैं, ठीक है। ये मेरी दूसरी वेल है जिसमें मुझे टेस्ट परफॉर्म करना है जिससे, ठीक है। ये डालने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें जो सैंपल लेंगे वो इसमें से नहीं लेंगे दोस्तों, जो हमने डाइल्यूशन बनाया है 10 का डाइल्यूशन, जो इसमें मैंने डिस्टिल वाटर और पेशेंट का सैंपल डाला है, इसमें से हमें 50 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है अब, ठीक है। अब इस डाइल्यूशन में से हमें सैंपल लेना है, ठीक है। जो डाइल्यूशन बनाया है उसमें से 50 माइक्रोलीटर हम सैंपल इसमें डालेंगे और इमीडिएट इसे हमें रन करना है। दोस्तों यहाँ पे कन्फ्यूजन मत करना, जो हमें सैंपल लेना है इस डाइल्यूशन में से लेना है, ठीक है। जो मैंने 10 का डाइल्यूशन बनाया है जिसमें मैंने 450 डिस्टिल वाटर और 50 माइक्रोलीटर मैंने पेशेंट का सैंपल डाला है, ठीक है। इसमें से हमें 50 माइक्रोलीटर अब इसमें से लेना है, ठीक है। जो हम लेंगे वो 50 माइक्रोलीटर इसमें से निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद 50 माइक्रोलीटर निकाल के हम इस जो टेस्ट है जिसमें हमने SGPT का रिजल्ट डाला है इसमें ऐड करेंगे, फिर जाके हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम दोस्तों अपने सिस्टम में SGPT को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपना टेस्ट सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हमारा SGOT हमें देखना है, ठीक है। दोस्तों हमारा SGOT है, ये हमारा जो ALT करके लिखा है दोस्तों, ये हमारा SGPT है, इसे हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सिलेक्ट कैसे करेंगे, हम एंटर दबाएंगे, ठीक है। ये एंटर वाला बटन आपको दिख रहा है, इसे हम प्रेस करेंगे तो हम हमारा जो पैरामीटर है खुल जाएगा SGPT का, ठीक है। मैं ये प्रेस कर रहा हूँ, ये मैंने प्रेस किया, ये हमारा ALT या फिर SGPT का पैरामीटर खुल चुका है। अभी सबसे पहले क्या मांग रहा है दोस्तों, एस्पिरेटेड वाटर, तो हमें इसे एस्पिरेट कराना है वाटर को, ठीक है। तो एस्पिरेटेड वाटर कहाँ से कराएंगे हम, यहाँ से कराना है हमें, ठीक है। इसमें हमारा डिस्टिल वाटर है, इसे एस्पिरेट कराना है सबसे पहले, इससे क्या होगी वॉशिंग होती है सबसे पहले, ठीक है। डिस्टिल वाटर इसीलिए पिला हम एस्पिरेट कराते हैं कि इससे जो इससे पहले जो प्रीवियस जो इससे पहले टेस्ट लगे थे उनका रिजेंट कोई कुछ बचा रहता है ट्यूब में तो वो वॉश हो जाता है, तो इसीलिए हम डिस्टिल वाटर से इसे वॉश करते हैं सबसे पहले, फिर टेस्ट रन करते हैं। तो सबसे पहले हमसे क्या मांग रहा है, एस्पिरेट डी वाटर बोल रहा है, तो हमें यहाँ से ये डिस्टिल वाटर एस्पिरेट कराना है, ठीक है। ये डिस्टिल वाटर अब एस्पिरेट कराएंगे, ये बटन है हमारा दोस्तों, इसे प्रेस करना है और ये डिस्टिल वाटर में हमने डिप करना है, ये इसकी ट्यूब को ये डिप कर रहा और ये एस्पिरेट करा रहे हैं और यहाँ एस्पिरेट करने लगा है, ठीक है, ठीक है। अब ये रिमूव करने के लिए बोल रहा है, अब हम इसे हटा देंगे, डिस्टिल वाटर की बोतल को हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा आ रहा है एस्पिरेट दी सैंपल, तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट का सैंपल हमें एस्पिरेट कराना है, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, जो हमने डाइल्यूशन बनाया है 10 का डाइल्यूशन, इसमें से हमें सैंपल लेना है, ठीक है। 50 माइक्रोलीटर हमें इसमें से लेना है और इस SGPT के रिजेंट में हमें ऐड कर देना है, ठीक है। फिर इमीडिएट हमें इसे एस्पिरेट कराएंगे, ठीक है। तो हमने डाइल्यूशन बनाया है, इसमें से हमें 50 माइक्रोलीटर लेना है, ठीक है। ये हम सैंपल लेंगे, इसका 10 के डाइल्यूशन में से निकालेंगे, इसमें से इसको अच्छे से वाइप करेंगे, फिर जाके दोस्तों हमें इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। जो हमारा SGPT का रिजेंट है इसमें ऐड कर देना हमने 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। और इसे मिक्स करना है और इमीडिएट हमें एस्पिरेट करा देना है, ठीक है। यहाँ से एस्पिरेट कराएंगे हम, ठीक। ये हम एस्पिरेट कराएंगे, यहाँ से बटन प्रेस किया और यहाँ पर ये एस्पिरेट करने लगा है। रिमूव करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसे रिमूव यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये डिले टाइम चल रहा है इसमें, ये लगभग 4 मिनट तक का टाइम लेता है रिजल्ट आने में, ठीक है। तो दोस्तों ये जो डाइल्यूशन में हम बनते, ये आप ऐसे ही अगर 20 का भी डाइल्यूशन आप कर सकते हैं, 50 का, जितने का डाइल्यूशन आपको करना है आप इसी तरीके से बना सकते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। अभी हमने 10 के डाइल्यूशन में टेस्ट परफॉर्म करना सीखा, ज़्यादातर हम 10 के डाइल्यूशन में ही SGPT को लगाते हैं। अगर आप और बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है बहुत, तो तब आप 20 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 50 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डाइल्यूशन आप अपने हिसाब से, जो वैल्यू आ रही है उसी के हिसाब से आप ले सकते हैं दोस्तों, बना सकते हैं, ठीक है। ये 10 का डाइल्यूशन था, 10 के डाइल्यूशन में हमने 9 पार्ट डिस्टिल वाटर लिया,
वन पार्ट पेशेंट का सैंपल, दोनों को मिक्स किया, फिर एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें हमने SGPT का रिएजेंट डाला 500 माइक्रोलीटर, फिर जो हमने सैंपल लिया वो डाइल्यूशन जो हमने बनाया था 450 और 50 माइक्रोलीटर सैंपल और डिस्टिल वाटर का, उसमें से मैं 50 माइक्रोलीटर सैंपल लिया और उस SGPT के रिएजेंट में ऐड किया। फिर जाके हमने इमीडिएट एस्पिरेट कराया। यहाँ से एस्पिरेट कराने के बाद दोस्तों अभी हमारा जो वैल्यू है SGPT की वो आएगी, और जो वैल्यू आएगी दोस्तों, हमने अगर 10 का डायल्यूशन बनाया था तो उसे हम कितना, जो वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पेशेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, हमारी वैल्यू आने वाली है, तो दोस्तों ये हमारी वैल्यू आ रही है जिसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। हमने क्योंकि जो इसमें जो 1:10 का डायल्यूशन जो हमने बनाया है उसमें हमारा फैक्टर क्या रहता है, 10, तो जो फैक्टर रहता है उसी से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे हमें 10 का डायल्यूशन बनाया था तो 10 से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जो वैल्यू आई है तो हमारा 19.62 आ रहा है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा हमारा, 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, माना ये इसे 20 मान लेते हैं। ठीक है, 19.62 आ रहा है, इसे 20 मान लेते हैं, 20 को हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 से तो हमारा आ जाता है 200 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम डाइल्यूशन में इसे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है डाइल्यूशन में लगाने का तरीका। आज हमने सीखा 10K डाइल्यूशन में हम टेस्ट 10K डाइल्यूशन में कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये आज हमने सीखा। SGPT को और बायोकेमिस्ट्री में जो भी टेस्ट आते हैं दोस्तों, हमें डाइल्यूशन में कैसे लगाने हैं ये हमने आज सीखा है। ठीक है दोस्तों, हर टेस्ट, अगर आप SGOT हो या फिर बाकी कोई भी टेस्ट है दोस्तों, आप डाइल्यूशन में इसी तरह लगा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल बनी है दोस्तों तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।